हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री बांके बिहारी की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो बिना प्याज लहसुन की है और बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं। भिंडी को धो के मैंने अच्छे से काट लिया है और भिंडी का साइज़ यही रखिएगा तो खाने में अच्छी लगेगी। और फिर कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में डाल दीजिए सरसों तेल। सरसों तेल में ही सब्ज़ी बनानी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और कम भी लगता है और तेल के मुताबिक। फिर डाल दीजिए इसमें साबुत मिर्च एक, और फिर डालिए मेथी। मेथी दाने से और जीरे से भिंडी में बहुत फ़र्क पड़ता है टेस्ट का, तो ये मैं बना रही हूँ मेथी दाने से। और हींग की क्वांटिटी भी मैंने अच्छे से डाली है और ये 4 साबुत मिर्च डाली है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भिंडी के साथ। अब डाल दी है भिंडी, अब इसको चलाना है। गैस की फ्लेम कर दीजिए सिम। अब भिंडी चलाइए, अभी कुछ नहीं डालना है, भिंडी को अच्छे से चलाना है। और भिंडी को तब तक चलाना है जब तक भिंडी का अपना चिपचिपापन हट नहीं जाता। बिल्कुल जब भिंडी अपना चिपचिपापन छोड़ दे, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी आगे, अभी तो इसमें बहुत तार छूट रहे हैं और मैं इसको लगातार चला ही रही हूँ, ठीक है। तो चलाना भी है, थोड़ी देर छोड़ भी देना है, ये नहीं कि आप चलाते ही रहें तो इससे भिंडी भी ना टूट जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही चलाते चलाते ये भिंडी गल भी जाएगी। तो ये तार जब हट जाएंगे ना भिंडी के चिपचिपेपन के, ये देखिए अब हट चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसलिए स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अभी डाल देते ना, जब इसमें स्लाइम होता है, तो आपकी सारी सब्ज़ी बेकार बन जाएगी, हलवा टाइप की भिंडी बन जाएगी। और अगर आप इसके सारे चिपचिपेपन को ख़त्म कर दोगे और फिर मसाला डालोगे ना, तब अच्छी बनती है भिंडी। तो देखिए अब जब इसका स्लाइम ख़त्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है सूखा धनिया। ये होममेड सूखा धनिया है इसलिए मेरी सब्ज़ी अच्छी बनती है। और मैंने हल्दी डाल दी है, अभी भी मैंने नमक नहीं डाला है और लाल मिर्च भी मैंने अभी नहीं डाली है, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल को खिलानी है ना, तो अभी मैं नहीं डालूंगी, उनको खिलाने के बाद डालूंगी। तो अब इसमें नमक डाल दिया है चलाने के बाद, सारा मसाला थोड़ी देर भुना था और अब नमक डालने के बाद चला रहे हैं। और देखिए अगर इसमें चिपचिपापन होता ना तो भिंडी ये खिली खिली नहीं बनती। और मैंने ढाँका भी नहीं है ज़्यादा, अभी अभी तक नहीं ढाँका है, ढाँकूँगी आगे। और ये देखिए भिंडी अच्छे से गल गई है ना। एक भिंडी की सब्ज़ी ऐसी है ना कि जो सबको पसंद आती है और बनती भी है 5-10 मिनट में, और ये तो बिना प्याज लहसुन की है और इतनी टेस्टी बनती है ना। और ये बहुत ही टेस्टी बनी भी थी। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ ना, तो कभी जीरे वाली बना देती हूँ, कभी मेथी वाली, दोनों में बहुत अंतर होता है टेस्ट में। आप लोग इस तरह से बना के देखिएगा। और मैंने लाला को खिला दी है, अब इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है, इसलिए मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ढाँक दूँगी। और बस भिंडी हो गई तैयार, लग रही है ना बढ़िया। और ये मिर्च आप देख रहे हैं ना, साबुत हरी मिर्च, आप लोग इस तरह से डाल के देखिएगा पूरी, इतना बढ़िया इसका टेस्ट आता है ना। रोटी में लगा के गरम गरम इस भिंडी को खाइए, मज़े आ जाते हैं। मैंने तो रोटी संग खाया था और तह वाले पराठे। तो अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राधे राधे।